तो मैं आया हूँ चितरणी गांव है और यहाँ पर हम प्रयास करेंगे जानने का कि भेड़ पालन किस प्रकार होता है और भेड़ पालन का जो व्यवसाय है करने वाले उन लोगों से बात भी करेंगे और किस प्रकार जो है भेड़ों को रखते हैं पालते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चितरणी गांव है यहाँ पे हम आए हुए हैं तो हम प्रयास करेंगे जानने का और हम जो है भेड़ पालन का जो ये बाड़ा है यहाँ पर पहुँच गए हैं। राम साहब राम राम साहब का नाम आप रो जीवन राम जी जीवन राम जी जीवन राम जी गाँव किस है चितानी। अच्छा आप कितनी है बेड़ा बेड़ा सित्रे है सित्र बेड़ है कितना वर्ष हो भेड़ पालन कर रहे हो 25 साल 25 साल। अच्छा पहली भेड़ जना पालन करता जना घना ही खुला खेत था चरावन वास्ते घनी व्यवस्था है हमें की कराना मतलब अब कुछ जगह नहीं है जगह हगली रुदीज की। अच्छा अब जगह शरण है ही को नहीं लाइन बड़ा नीरो। अच्छा बड़ा नीरो और हमें आप आटो जी को बाड़ो बनाओ घर के कने अटे आंगो मतलब हां अटे ठाणा पड़ी है ठाणा में नीर दो और हगलो अतिक्रमण होगा ये जगह जगह होगा। अच्छा पहले कहीं सरकारी पड़ता होती बार में सरकारी पड़ता आज ही है पर सब बड़ा कर लिया। अच्छा मतलब बिंता घाट बड़ा कर लिया भैंस रहा है आपने। अच्छा मैं भैंस चरा बेड़ाला नहीं चढ़ने बेड़ाला चरण को नहीं चढ़ने हमें हमें भेड़ की उपज कहीं है थारे अब कहीं को खात उभरे ओची जमीन आएगी खात ने कहा मतलब माल उजावे काम ले अब काम ले बारे काम लेवे नहीं लेवे एक दो लो में तो फेंकी बार खनिया खोस रहा अब कोई नहीं और काटनी भी जरूरी है काटनी तो साल में तीन बार काटनी तीन बार आप हिंदा तीन दिन नहीं करा तो कितना दुख हो जान काटनी तीन बार चार चार महीनों। अच्छा आने पर नवा दुआ भी हो नहीं नहीं नवा को नहीं है जी। अच्छा बाल काटो जाना कहीं नवा दुआ काटो नहीं नहीं कीन फस दवाई देता बाल काटिया फांसी कोई बीमारी हो जाए तो फांस दवाई देता। अच्छा मतलब एकदम बाल काट लो जो शरीर मतलब हाँ फांसी मतलब एक मातो फांस फिर वो कौन रोग हो जाए। अच्छा अच्छा तो हमें भेड़ चरावण कौन काम करे आप खुद करो मैं खुद ही करूँ हमें कटे लेर जाओ जन लोग क्यों मतलब कहो कौन बैठो आगे आगे नहीं नहीं आगे कौन क्यों कह वैसा बिना पूछा थानो खेत है तो मैंने बिना पूछा बाड़ी जी नहीं यूँ बाढ़ नहीं देखी। तो आपने 25 बार हुई जो 25 बार में पहली आप शुरुआत में शुरू करी जद मतलब फूल पड़ियो मतलब कटे लेर निकल जाओ हाँ कटे निकल जाए तो बेंद बाटो हो कोनी रुकाल ही कोनी अब आउनाला बार 5 साल में हल होगा। अच्छा अब नहीं अच्छा अच्छा खाद मतलब अब धारकन कितनी बेड़ा है भाकन कौन सितर भेस कितनी खाद हो जाए साल भर खाद तुझे लगभग 4 घंटा टोली चार टोली जो हाँ घंटा घंटा पूरा मतलब भरूड़ी 4। अच्छा खाद को इन रुकी मतलब बढ़िया रकम मिले खाद हाँ इतनी उपजो हुई खाद इन उपजो हुई है बाजरी 15-16-17 मन बिगड़ी उपजो आ खाद रेड़ हुई हाँ निखार निकड़ी हुई तो 5 मन हाथ नहीं है। अच्छा मतलब 3 गुणे मतलब धान बदो बदो जो फर्क पड़ा तो दोस्तों मतलब भेड़ का जो खाद है ना वो मतलब एक है ये इंगे दूध वगैरह निकालो नहीं दूध काटना चाय बनाने वाले ताजी वे चाय यूं हाँ आप पियो तो पहुँच बार नहीं मैं चाय तो पियूं कौन पर दोस्तों मतलब ये यहाँ पर गांव के अंदर मैं मतलब अच्छा गांव के मायने रोड़ा माते ले रहो जन कितनी प्रॉब्लम है नहीं वे बतिया कोई बात साजन वाला वे दे दा कर या कुछ साइड दे रहा कोई एड़े की दाईवाल वे जो साइड ही गोंदे लार पिया जावे और मैं तो दौड़ू दौड़ एक पहाड़ करूँ कोई परेशान हो जी वाइक लाल लाइ साइड करूँ साइड कराओ। अच्छा अच्छा पर गाड़ी वाला भी वे एड़ा जगह मतलब वे तो ये तो सेफ्टी रखा ध्यान रखा एक पार फैली रखा हमें हड़का मत ज्यादा बेवणो पड़े चारों कोने जावे हड़का मत बार हड़ गाल जानो पड़े 3 किलोमीटर खेत है कोई तार मेरा उठ जानो पड़ी जावे ध्यान रखो। अच्छा बट मतलब पूछड़ो हां अच्छा अच्छा हम 3 किलोमीटर ले जाओ चरण वास बार चरण जाऊं और फसो फसो आऊं श्यामरा पचाओ तो हमें मतलब इन मायने जगह बच्चे है जगह नहीं हाथ ले जाओ यार नहीं नहीं अटी छोटा बच्चा अटी छोड़ जाओ छोटा बच्चा थी तो पहले दिन में कहीं दूध दे या कि नहीं दिन में दूध नहीं दिन में लूंग खेल दी रहो बच्चे खा ले हाँ थोड़ा थोड़ा दानो और जो कुछ छोटो ज्यादा है जो वो हाल सरे को नहीं तो वो मार दूध बार सूंग ले श्याम रबल सूंग ले। अच्छा पेड़ कितना मतलब समय मतलब साल में कितनी बार भी आवे साल में 6 की 80 सरावे तो साल में 2 बार भी दो बार भी अच्छा मतलब प्रजनन भी बढ़िया है मतलब साल में 2 बार बच्चा मतलब दे 2 बार 5 महीनों फांसी भेजिए पेड़ के एक कुछ ज्यादा बच्चा भी मतलब है नहीं वे अच्छा दो ही लावे हाँ ज्यादा करे एक आड़े ज्यादातर एक ही लावे हमें मतलब इन सुबह कितनी बजे निकाले करूँ
एक राख दा दो तो राख ला तो मतलब यूं कहो जन काफी मतलब मेहनत आलो मतलब मेहनत फुल ले इजी थी मेहनत थई को नहीं अब हम थाने के सपई आटी में बिलियो लाग जाई हैंडो लाग जाई जन फाड़ मातो में भरी जोड़ा हैंडो जोड़ा तो था क्यों वे मान तो जोड़ा इंगो दूध मतलब बिलोना वगैरह भी करो नहीं नहीं ई तो कोन में नहीं ई तो एक भेड़ को कितो दूध हो सके ज्यादा हकरी हकरी भेड़ अरे हकरी भेड़ वे तो दूध हो जावे एक लोटो एक लोटो बस एक लोटो हलवा दो किलो एक लोटो आधो किलो छोकी बेड है ये आधो किलो आधो किलो चल मतलब बच्चो बच्चो दापे बच्चो बच्चो दापे और काटनो काम कोनी कोई उन्या उन्या कोई छोटा वे मान लो बेच दिया तो बाणो काट अच्छा हा बना लो मेहमान आएगा सा काट लो आधो आधो किलो किलो काट लो। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको अगर आइडिया है कि भेड़ की ऊन का मतलब उपयोग हो सकता है और अगर आप इच्छुक हैं तो आप जरूर कॉमेंट करना, और ताकि इस प्रकार की जो इस भेड़ की जो ऊन है वो अगर मतलब जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि इसकी मतलब खरीद कम है, खरीद बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि इन जो ये भेड़ पालक हैं इनको भी फायदा होगा और इनकी रुचि भी है जो इस प्रकार के पशुओं के पालन में और बढ़ेगी। काई नाम है? देवकर्ण जी। देवकर्ण जी आप भी भेड़ पाली कदी? हाँ। हमें है? हम नहीं। अच्छा बेची की कर? बेचती है, चरौना नहीं है। अच्छा चरौना नहीं है, तो इन चरौनी काफी मतलब दोरी वे दोरी तो कोनी वे पण गोरी तो मांगे ना। अच्छा गोरी आने में बेच दी। बेच दी। हां कितना वर्ष तक रागी बेड़ा? वर्ष तो पीढ़ियों रखता। पीढ़ियों रखता तो इन हो चा जाना भाई पीढ़ियों जकी एक पुस्ते नहीं धंधो हो जको मतलब छूट तो जा रियो। छूट तो जा रियो मतलब जगह नहीं सरवनी एक तो हां एक और बा पढ़नो लेके भी कारण वा कोई नहीं गोरी गोरी तो हमें मतलब पढ़ी लिखे थोड़ा भेड़म नहीं चाहे। हां नौकरी नहीं मिले तो भी नहीं जाओ? तो भी तो प्राइवेट धंधो करे भेड़ में नहीं जाओ? भेड़ में नहीं जाओ तो भेड़ वालों धंधो कहीं तो मतलब कमजोर धंधो है? कमजोर नहीं है तो पण करे ने आण पड का करे वो बाकी पडड का करे तो कोनी पडड का करे कोनी। बाबा जी आप कहीं नाम है? रूपाराम है। अच्छा रूपाराम जी आप कहीं काम करो? हम तो खेती रे करा खेती रे लो दुकान किराना जी दुकान। हां अच्छा आप वगैरह आप भी कभी भेड़ा वगैरह राखी? हां राखे हम मां तो ये भतीजा है हमारे तो। अच्छा भेड़ी? हां अच्छा परिवार की होती जगह भेड़ी चरावता? हां परिवार के अब अलग अलग हो गई अब पहले तो सम्मिलित थे तमिल हमें दिनों का रखो गाय को भैंस गाय और भैंस भेड़ बकरी नहीं रखो घर में? नहीं बकरियां हैं बकरियां हैं बकरियां हैं। अच्छा तो हमारा लड़का रहे बकरियां 35-40 बकरी है। अच्छा मतलब बकरियां रखो? हाँ बकरियां भेड़ से ज्यादा सर हमने जगह नहीं है। अच्छा जी बकरियां। दोस्तों मैं आपको बता दूं भेड़ पालन मतलब बिश्नोई संप्रदाय और जसनाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो पालन नहीं करते क्योंकि ऐसा है कि भेड़ और बकरी जो हैं इनके बच्चे जो थे ज़्यादातर जो हैं कटनी में जाते थे, इसलिए उन संप्रदाय के लोग जो हैं भेड़ पालन नहीं करते। आज भी आपको नहीं मिलेंगे जसनाथ संप्रदाय और बिश्नोई संप्रदाय के जितने भी लोग हैं वो नहीं करते क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि चाहे मुर्गी पालन हो भेड़ पालन हो ये सारे वो जानवर हैं जिनको लोग ज़्यादातर इसीलिए मतलब नहीं पालते कि ये कटनी में जाते हैं और एक तरह का वो पाप है कि आपके द्वारा पाला हुआ पशु है उसका मतलब आपके हाथों से बिक के और कटनी में जाना ये भी हैं। इसलिए बहुत कम तादाद के अंदर लोग जो हैं भेड़ ये पालन करते हैं लेकिन आजकल भेड़ की खाद है और जो ऊन है और बकरी का जो दूध है उसकी प्लेट रेट के अंदर जो है बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है। हम भेड़ पालकों से जो हैं इनकी जो है दिनचर्या और ये चीज़ें हम जानने का प्रयास कर रहे थे इसलिए हमने आपको ये जो वीडियो दिखाने का प्रयास किया। तो हम फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।